सुनी आपने, है ना एकदम कड़क आवाज। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, ये कितनी आवाज आ रही है इससे। हेलो फ्रेंड्स, स्वाद अर्चना में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कोथंबर बड़ी लेकर के आई हूँ। ये महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस रेसिपी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको तुरंत मिल जाएगी। इसको आप धनिया की बड़ी भी कह सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कोथुम्बर बड़ी बनाना। ये मैंने एक बंच धनिया लिया है, इसको मैंने धो करके काट लिया है दो तीन पानी से। फिर काटने के बाद मैंने इसको छन्नी में थोड़ी देर रख दिया था जिससे कि इसका पूरा पानी निकल जाए। इसको हमें बिल्कुल ड्राई कर लेना है, पानी नहीं रखना है इसमें। इसके लिए क्या क्या सामान लगता है मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने एक बाउल बेसन लिया है, ये एक बंच धनिया है जिसको काट लिया है मैंने, ये नमक है, ये हल्दी है और ये पिसी लाल मिर्च है, ये मैंने चार हरी मिर्च लिए हैं ये, और 10 कलियां लहसुन की हैं इसमें, ये एक चम्मच चावल का पाउडर है, एक चम्मच जीरा है और एक चम्मच सफेद तिल है और ये हींग है। सबसे पहले हम ये लहसुन और हरी मिर्च को पीस लेते हैं, इसमें जीरा भी साथ में पीसेगा। ये लहसुन जीरा और मिर्चा पिस गया है। अब हम ये धनिया जो है मैंने काट के रखी थी इसको इस बाउल में डाल लेते हैं। इसमें ये हींग एक चुटकी और ये सफेद तिल एक चम्मच, ये अजवाइन, इसको हम हाथ से ऐसे क्रश कर लेंगे। और ये चावल का आटा एक चम्मच, ये लहसुन जीरे का पेस्ट है, ये आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें हम बेसन थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे। बेसन हम इसमें देखेंगे कितना लगेगा, उस हिसाब से बेसन इसमें डालेंगे हम। पूरा बेसन हम एक साथ नहीं डालेंगे। चावल का आटा ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो नहीं डालिए। चावल का आटा डालने से थोड़ा ये क्रिस्पी होता है और भी अच्छा लगता है। फिर हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसको एक डो जैसा लगा लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा बेसन हम और ऐड करेंगे। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। इसका डो हमें टाइट ही बनाना है। बेसन थोड़ा सा और डालते हैं। हल्का सा पानी डाल करके इसको भून लेंगे। इसको आप सफर में जा रहे हो तो भी आप बना करके रख सकते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होती है। ये देखिए इस तरीके से डो हमें इसका रेडी करना है। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हम। ये देखिए डो मेरा इस तरीके से रेडी हो गया है। हमें बेसन बहुत ज्यादा नहीं ऐड करेंगे इसमें, बेसन हम उतना ही डालेंगे जिससे कि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। अब ये मेरा डो रेडी हो गया है, देखिए ऐसे। अब हम इस तरह की एक जाली लेंगे, उसको हम ऑयल से ऐसे ग्रीस कर लेंगे। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे जिससे कि ये डो हाथ में चिपके नहीं। फिर इसको हम ऐसे लंबा लंबा रोल जैसा बना लेंगे इसका। इस जाली में इसको रख देंगे। इसी तरीके से हम एक दूसरा रोल भी बना लेंगे। ये कोथुम्बर बड़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। सर्दियों में धनिया बहुत ही सस्ती आती है तो आप इसका बना करके आनंद ले सकते हैं। ये देखिए मेरे सारे रोल बनके तैयार हो गए हैं।
इनको हमें थोड़ा गैप दे देकर रखना है। ये देखिए मेरे दोल तैयार हो गए हैं। अब इन दोल को हम स्टीम करेंगे। इनको थोड़ा सा हमें दूर रखना है क्योंकि ये दोल जब स्टीम होंगे तो थोड़ा सा फूल जाएंगे, तो इनको स्टीम होने के लिए जगह मिलनी चाहिए। ये मैंने स्टीमर पहले से चढ़ा दिया था इसमें पानी डाल करके गर्म होने के लिए। पानी मेरा खोल चुका है, अब इसमें हम ये रख देंगे स्टीम होने के लिए और ऊपर से इनको ढक देंगे। हम इसको हम करीब 20-25 मिनट तक ऐसे ही भाप में पकाएंगे। 20 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम खोल के देख लेते हैं। ये देखिए रोल फूल के बड़े हो गए हैं। अब इनको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। अब ये सारे रोल जब ठंडे हो जाएंगे तब इनको हम कट कर लेंगे। अब ये थोड़े ठंडे हो गए हैं, अब इनको हम काट लेते हैं चाकू की मदद से इस तरीके से। आराम से काटिएगा, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। ये जब ठंडे हो जाएं तभी आप इनको काटिएगा। इसी तरीके से हमें सारी रोल को कट कर लेना है। आप गरम में इसको बिल्कुल नहीं काटिएगा, नहीं तो ये टूट जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इनको हमें फ्राई करना है। इसके लिए गैस ऑन करके हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं और इसमें ये हम ऑयल डाल देते हैं। आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं, मैंने रिफाइंड यूज किया है। आप इनको सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम एक एक करके ये बड़ी इसमें डाल देंगे। ये कोथुंबर बड़ी, आप चाहें तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि ये स्टीम में पक तो गए हैं, लेकिन इनको तल के खाने में ये ज्यादा स्वादिष्ट लगेंगे क्योंकि ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाते हैं तलने से। अब इनको हम दूसरी तरफ से पलट लेते हैं, देख लेते हैं जल्दी सिक रहा है कि नहीं। आप इनको चाहें तो किटी पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं, पहले से ही बना के रख लीजिए। आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप उसके लिए भी आप इसको बना सकते हैं। बच्चों के टिफिन में देना है तो भी अच्छा स्नैक्स है ये। और इसको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार होते हैं ये। धनिया तो वैसे भी सर्दियों में बहुत सस्ती आती है और बहुत ही अच्छी धनिया सर्दी में आती है, तो आप इनको बना करके एंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ। देखिए बहुत ही अच्छी महक आ रही है धनिया और बेसन की। अब ये देखिए सारी बढ़िया ब्राउन कलर की हो गई है। अब इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। देखिए कितनी क्रिस्पी बनके तैयार हुई है ये। ये बाकी की भी बढ़िया हम ऐसे ही तल लेंगे। इनमें तलने में ज्यादा ऑयल नहीं लगता है। इनको भी हम ब्राउन कलर का तल लेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाएंगे। अब देखिए ये भी बढ़िया सिक्के रेडी हो गई हैं। अब इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे, कितना अच्छा कलर आया है। इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए इतना ऑयल इसमें बच गया है, इसमें ज्यादा ऑयल नहीं लगता है। तो लीजिए ये तैयार है कोथुंबर बड़ी। इसको आप चाय के साथ सुबह या शाम को ले सकते हैं। आप इनको धनिया की बड़ी भी कह सकते हैं।
अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलती हूँ अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।